हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर पावर सप्लाई में ब्रिज रेक्टिफायर ही क्यों यूज़ किया जाता है। और भी तो रेक्टिफायर है, लेकिन वो जो बाकी दो रेक्टिफायर की सर्किट है वो यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर ही मैक्सिमम जगहों पर यूज़ किया जाता है। वो जानने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। और मैं आपको इस वीडियो में रेक्टिफायर के बारे में एंड एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी कुछ है सब बता दूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 10-12 मिनट की हो जाएगी। सो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रेक्टिफायर की जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। तो पहले नंबर पे तो गाइस ए हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे नंबर पे है फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरे नंबर पे है ब्रिज। अब देख सकते हो मेरे पास एक 4000 का किट है, इसमें भी ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया गया है। अब देख सकते हो 4 डायोड लगा हुआ है। और आप ये जो 3 रेक्टिफायर है, तो पहले बता देता हूँ ये जो रेक्टिफायर है इसमें एक ही डायोड यूज़ किया जाता है, इसमें 2 डायोड यूज़ किया जाता है, इसमें 4 डायोड यूज़ किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि रेक्टिफायर हम क्यों यूज़ करते हैं पावर सप्लाई में। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ चलाना है यानी रन करना है तो हमें डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो हम ऐसे ही एसी में तो नहीं लगा सकते, इसीलिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड की मदद से ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम आपको पहले दिखा देता हूँ, अगर हम हाफ वेव पावर सप्लाई में रेक्टिफायर यूज़ करें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम करके दिखाता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर की। मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, इनपुट एसी, और हम यहाँ पे क्योंकि गाइस हाफ वे में एक ही डायोड इस्तेमाल होते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ एक डायोड। उसके बाद एक फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटर लगा देता हूँ, प्लस माइनस कैपेसिटर ऑन डायोड ऑन। तो हमें आउटपुट किस तरह से मिलेगा, तो इनपुट हम इस तरह से दिया था क्योंकि ये सी लाइन ऐसे ही होता है। तो हमें गाइस आउटपुट कुछ इस तरह की मिलेगी क्योंकि हम एक ही डायोड लगाए हैं, जो अब देख सकते हो ए प्लस का पोर्शन देख रहे हो, बस हमें वही पोर्शन आउटपुट में इस तरह से मिलेगा। तो हम तो इस तरह से ये हो गया आउटपुट। तो इस वेव फॉर्म से हम तो डीसी का कोई भी चीज़ हम चला नहीं सकते हैं, तो ये हम यूज़ नहीं करता है इसलिए। तो दूसरे नंबर पे आते हैं गाइस, ये जो आप देख सकते हो फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें हम 2 डायोड यूज़ करते हैं। तो कैसे हम यूज़ करते हैं आपको दिखा देता हूँ, एक डायग्राम करके ये भी दिखा देता हूँ आपको, आप देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम ब्रिज रेक्टिफायर की यूज़ करते हैं। तो एक हम डायोड यहाँ पे लगा देते हैं और एक डायोड माइनस के साइड लगा देते हैं, और एक फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा देते हैं, प्लस माइनस डी ऑन और डी टू। तो हमें आउटपुट अब किस तरह से मिलेगी, तो इनपुट हम इनपुट सिग्नल में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इनपुट सिग्नल कुछ हमें इस तरह से दिया था इनपुट में हम लोग। और आउटपुट अगर हम ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, तो आउटपुट हमें इस तरह से कुछ मिलेगी, ए प्लस का साइड इस डायोड के लिए हमें इस प्लस का मिलेगा, और इस माइनस के डायोड का इस साइड में हमें इसी साइड मिलेगा। तो हमें गाइस कुछ इस तरह से वेव फॉर्म मिलेगी। तो गाइस ये हो गया है। तो इस वेव फॉर्म से हम तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ रन करने के लिए हमें कुछ इस तरह से सिग्नल चाहिए होता है। तो अगर हम यूज़ करते हैं ये वाला हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इस तरह से आउटपुट मिलेगी, मतलब ये भी नहीं चलेगा, मतलब ये भी फेल हो गया। और दूसरे नंबर पे आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें भी हम नहीं चला सकते क्योंकि इस तरह से वेव फॉर्म लगाता है। तो आप बाहरी आते हैं गैस जो तीसरे नंबर पे है ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद आपको आपको मन में सवाल आया होगा कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्यों बनाए किस लिए हमने इसको।
वो भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें हम चार डायोड यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कैमरा में आ रहा है शायद। तो मैं आपको यहाँ पे इनपुट देता हूँ एसी, और आपको चार डायोड लगा के दिखाता हूँ, 1 2 3 4। तो हम डायोड इस तरह से लगाते हैं एनोड कैथोड, और फिर हम इस तरह से लगाते हैं, ये हो गया दो डायोड, और ये हो गया तीसरी डायोड, और ये हो गई चौथा डायोड। सो ये हो गया डी ऑन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, और फिर हम इस तरह से एक कैपेसिटर लगा देते हैं सी ऑन। तो हमें अब आउटपुट कैसे मिलेगी, तो हमने इसमें क्या दिया था, इनपुट सिग्नल इस तरह से दिया था कुछ। तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, देख सकते हो, हम आपको दिखाता है कि आउटपुट हमें अगर ब्रिज रेक्टिफायर में कैसे मिलेगा। सो गाइस, आप देख सकते हो इस तरह से हमें ये जो कैपेसिटर पे आने के बाद इसमें हमें इस तरह से आउटपुट मिलेगा, इस तरह से आउटपुट मिलेगा। और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर को यूज़ करने के बाद हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगी। तो गाइस, ये हो गया सही डीसी सप्लाई। तो कह रहा है कि आपको मन में संभाल होगा कि थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। सो अब देख सकते हो कि इसमें गाइस ये सिर्फ रिसर्च के लिए ये यूज़ किया जाता है, कोई भी लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो ये जो दो रेक्टिफायर है यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर मैक्सिमम जगहों पे इस तरह की ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे यूज़ मतलब बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो मेरे पास चार डायोड है, 4007 का चार डायोड मेरे पास पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यही कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। सो आपको कुछ इस रेक्टिफायर के बारे में कुछ पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो उसको भी पता चले कि ब्रिज रेक्टिफायर क्यों यूज़ किया जाता है ज़्यादातर पावर सप्लाई में। और भी इस तरह की वीडियो अपने सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।